आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन प्रखंड क्षेत्र के रजवाड़ा अरुणा नदी के पास चाक पर मिट्टी को आकार देकर डिजाइन के बर्तन, चाय के प्याले, सुराही, घैला, मटकुरू, गमला, दिया, बाती घर बनाने में प्रयोग होने वाले खपड़ा मिट्टी के झूमर देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर जीवन यापन करने वाले कुम्हार प्रजाति समुदाय के लोगों की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति होने और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस समुदाय का अहम योगदान भी माना जाता है। अपने कलाकृति से भोजन बनाने वाले बर्तनों का निर्माण, जल संचय के लिए बर्तन और साथ ही निवास स्थान को मजबूती प्रदान करने वाले खपड़े निर्माण कर अहम भूमिका निभाने वालों को रोजगार इलेक्ट्रॉनिक युग में धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। बता दें, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर मिट्टी के दिए और बाती जलाने की सदियों की प्रथा पर इलेक्ट्रॉनिक दिए और बाती ने अपना जगह बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जाता है छठ और दीपावली का पर्व बरसात के बाद मनाया जाता है। बरसात के बाद कीड़ों मकड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे समाप्त करने के लिए मिट्टी के दिए, बाती, घी डालकर जलाने से कीड़े मकड़े जल कर समाप्त हो जाते हैं और कीड़े मकड़ों से जनित बीमारी से मनुष्य बच जाते हैं। कभी लाखों लाख दिए और बाती बनाने वाले अब हजारों से सिमट कर रह गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक युग में छिनते रोजगार से प्रजाति समुदाय के लोग काफी चिंतित हैं। इस कलाकृति को यदि सरकारी सहायता मिलेगी तो रोजगार भी बरकरार रहेगी और देश विदेशों में भारत का नाम भी होगा। अपने कलाकृतियों से समुदाय के लोगों ने राजा महाराजा के जमाने में भी अपने एक स्थान उनके दिल में रखते थे और आज भी मिट्टी के बने सामानों पर इनकी कलाकृति मनमोहने का काम करती है। कोरोना काल में इनके रोजगार पर ग्रहण लगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और चाक पर मिट्टी के सामानों पर अपनी कलाकृति उकेरने में जुट गई हैं। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार, प्रजापति। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले बार कोरोना में ही दीपावली मना था और इस बार कोरोना का लहर खत्म हो चुका है, तो पिछले बार से इस बार किस तरह तैयारी कर रहे हैं? पिछले बार जो हुआ था कि बर्तन बनाए थे अपन, लेकिन क्या हुआ कि कोरोना के महामारी से अपना बर्तन नहीं बिका, नुकसान हो गया बहुत। अब इस साल के तैयारी कर रहे हैं। अभी है कि मौसम अच्छा नहीं है, मौसम को वजह से फिर लग रहा है कि पिछले साल की जैसा होगा। अच्छा, कितना दिन पहले से बनाना आप लोग शुरू कर देते हैं? हम लोग एनी टाइम बनाते हैं। अच्छा, तो अभी तो दीपावली है, कितना देरी बनाने का आप लोग लगभग टारगेट रखे हैं? अभी वही 50,000 देरी। अच्छा, 50,000 सेल हो जाता है? मौसम सही रहेगा तब ज़्यादा भी बनेगा तो सेल हो जाएगा। ये सब है कि अपना एथी में है, जितना आप खपा सकते हैं आप हमारे ऊपर है, ये जितना बना के सेल। अच्छा, ये बता दीजिए, ये मिट्टी तो सब जगह मिलता है कि यहाँ की कहीं बाहर से नहीं, लाते ये मिट्टी लाते हैं थोड़ा से नेपाल से। अच्छा, अभी कितना देरी बना लिए होंगे आप? अभी वही 10-15 हज़ार। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप लोग मिट्टी के यहाँ? डिजाइनिंग में वही दियरी चमक वाला है, फूल वाला है, और उसके बाद में दियरी ढकना रोट पका यही सब। अच्छा, आप लोग इसको लेके कहाँ जाते हैं बेचने, जैसे देहात या शहर के? देहात में भी बेचते हैं, शहर में भी बेचते हैं, चारों तरफ। अच्छा, एक दियरी लगभग कितने रुपए का बेचते हैं आप लोग? एक दियरी होता है कि 1 रुपये का, और इस चमक है 5 रुपये का ही। अच्छा, इसमें इसी के साथ फिलहाल की खबरों में अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।